दोस्तों मैं मुकेश शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल सर्विस में टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है उसको ज्वाइन नहीं किया तो तुरंत ज्वाइन कर लें ताकि किसी भी तरह के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिले साथ ही साथ व्हाट्सअप सपोर्ट नंबर भी है किसी तरह की कोई भी इंक्वायरी चाहिए स्टॉक मार्केट से रिलेटेड तो आप क्वारी में पूछ सकते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं यह आप देख सकते हैं दस तारीख का एक आर्टिकल आया था देखिए एक्चुअली हुआ क्या था कि अमेजॉन ने सीसीआई के आदेश को एन में चुनौती दी थी कारण बस इतना था कि जो सीसीआई ने अमेज़ॉन और फ्यूचर कोपोन्स की डील पर सस्पेंशन सस्पेंशन लगाया था उसके खिलाफ इन्होंने एन में मामला घसीटा और जिसमें अमेजॉन ने पाँच पॉइंट्स के आधार पर याचिका भी दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में और इस सप्ताह इस मामले को सूचीबद्ध किए जाने की संभावना भी थी सूत्रों के हवाले से ऐसी न्यूज आ रही थी जिसके लिए आज टी सहमत भी हो गया है तो उस न्यूज पर भी एक बार हम लोग चर्चा कर लेते हैं अभी आर्टिकल आप देख सकते हैं कि एन सी एल ए टी एग्रीज टू हेयर एमेजोन अपील अगेंस्ट सी सी आई बट ग्रो इंटरम रिलीफ यानी की एनसीएल तेरह जनवरी को एमेजोन की अपील पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है जो उन्होंने सी के खिलाफ ताजर की थी लेकिन किसी भी तरह की कोई भी राहत नहीं देने से मना कर दिया है यानी कि जो भी अमेज़ोन को जो भी एडी की जांच थी अमेजोन के खिलाफ वो कंटिन्यू रहेगी उस पर किसी भी तरह की कोई भी राहत एन की तरफ से नहीं दी गई है और इसी बीच सी के आदेश पर रोक लगाने के लिए अमेजोन की याचिका के बावजूद एन ने कोई भी अंतरिम राहत देने के लिए मना किया है और कहा है कि सी द्वारा लगाए गए अमेजॉन की समय सीमा समाप्त होने से एक दिन पहले मामले की सुनवाई गुण दोष के आधार पर की जाएगी अब यह अब आज की सबसे लेटेस्ट अपडेट थी तो दो न्यूज़ को मैंने इसमें कवर किया है अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो जय हिंद जय भारत